नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडियन नेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों बात करेंगे आज के इतिहास की। तो आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से हर साल आज के दिन को याद किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन के सबसे बड़े इतिहास की। दरअसल आज के दिन हर साल आर्म फोर्सेज फ्लैग डे मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्म फोर्सेज फ्लैग डे आखिर है क्या, लेकिन नाम से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये सेना से जुड़ी कोई चीज है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आर्म फोर्सेज फ्लैग डे या द फ्लैग डे ऑफ इंडिया वो दिन होता है जो पूरे भारत को समर्पित है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय आर्म फोर्सेज के लिए भारत में रहने वाले लोगों की मदद से फंड जुटाना है, ताकि आर्म फोर्सेज के लोगों के लिए वेलफेयर के काम किए जा सकें। 7 दिसंबर 1949 से ही इस दिन को आर्म फोर्सेज फ्लैग डे के रूप में मनाया जा रहा है और अभी ये दिन सैनिकों को सम्मान देने के दिवस के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन के इतिहास की अगर बात करें तो आज़ादी के तुरंत बाद सरकार को इस बात की जरूरत महसूस हुई। अगस्त 28, 1949 को सरकार की ओर से डिफेंस मिनिस्टर की देखरेख में एक कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी ने 7 दिसंबर के दिन को फ्लैग डे मनाने की घोषणा की। इस दिन आम लोगों को एक झंडा दिया जाता है और उसके बदले उनसे आर्म फोर्सेस के लिए डोनेशन लिया जाता है। इस दिन को और ज्यादा महत्व इसलिए मिलता है क्योंकि आम लोग इस बात को समझने लगे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के जवानों और उनके परिवार की देखरेख में अपना योगदान दे। इस दिन को मनाने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जंग में जख्मी या मारे गए जवानों के लिए रिहैबिलिटेशन। दूसरा, सेवारत आर्म्ड फोर्सेस के जवानों और उनके परिवार के लिए वेलफेयर। और तीसरा, भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के लिए रिसेटलमेंट और उनके वेलफेयर की व्यवस्था। ये दिन आम भारतीयों के लिए उस दिन की तरह है जिस दिन वो देश और देश की सेवा में लगे जवानों के प्रति अपनी संवेदनाओं को बयां कर सके। तो आप भी आज के दिन देश के जवानों के लिए डोनेशन देकर देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा देश और दुनिया में कई और भी ऐसी घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से आज के दिन को हर साल याद किया जाता है। जैसे कि जब भी दूसरे विश्व युद्ध की बात होती है तो आज के दिन को हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1941 में जापानी वायुसेना ने हवाई जहाज़ों से पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक से हमला कर इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस हमले से जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। जापानी बम वर्षक विमानों ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों, विमानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 2,403 अमेरिकी मारे गए तो वहीं 1,178 के करीब बुरी तरह से घायल हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिका भी ऑफिशियल तरीके से विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। तो वहीं साल 2001 में तालिबान शासन ने कंधार का अपना गढ़ छोड़ दिया था। इस घटना के बाद अफगानिस्तान में 61 दिन की लड़ाई के अंत की शुरुआत हो गई। अफगानिस्तान के नए अंतरिम प्रशासन के प्रमुख हामिद करजई और तालिबान शासन के बीच हुए समझौते के आधार पर ही कट्टरपंथी तालिबान अपने धार्मिक गढ़ कंधार को छोड़ने के लिए तैयार हुए थे। तालिबान का कंधार छोड़ना अफगानिस्तान पर ऑर्गेनाइज तालिबान के कंट्रोल के ढीले पड़ने के संकेत थे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से तालिबान का पावर बेस था। इसके अलावा साल 1825 में दुनिया का पहला स्टीम इंजन से चलने वाला पानी वाला जहाज कोलकाता के बंदरगाह पहुंचा था। इस जहाज को साल 1814 में डैनियल फ्रेंच ने बनाया था। अवध के नवाब ने ही इसी की तरह एक छोटा स्टीम इंजन बोट अपने लिए बनवाया था। साल 2004 में आज ही के दिन हामिद करजई अफगानिस्तान के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। वो 4 दिसंबर 2004 से 2014 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। इससे पहले 2001 में तालिबान के पतन के बाद करजई अफगानिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे के रूप में सामने आए। पहले तो उन्हें 6 महीने के लिए अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया, तो वहीं बाद में इसी पर उन्हें अगले 2 साल तक के लिए चुना गया। अफगानिस्तान में 2004 में जब चुनाव हुए तो हामिद करजई चुनाव में जनता की पहली पसंद बनकर सामने आए। आज ही के दिन साल 1889 में भारत के महान थिंकर और सोशल साइंटिस्ट राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ था। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के साथ ही इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के भी प्रोफेसर थे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम रोल अदा किया था। तो दोस्तों आज के इतिहास में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़े कुछ खास और रोमांचक तथ्यों की जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।